नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जल महल किस स्थान पर स्थित है? ये है आपका नारनौल में। जल महल किस स्थान पर स्थित है? नारनौल में। मट्टी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? जय नारायण कौशिक। मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? गुड़गांव। ये प्रश्न अभी फ़िलहाल जो करंट में एग्जाम हुआ था SSC का, वहाँ पे पूछा गया था हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है, वो कहलाता है आपका गुरुग्राम, करोड़पतियों का शहर गुरुग्राम, और इसको आर्थिक राजधानी भी माना जाता है हरियाणा की। नेक्स्ट है आपका, सुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हरियाणा केसरी के संपादक और संचालक रहे हैं उनका नाम है बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल के खिजराबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रताप नगर। हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से हैं? यमुनानगर और जगाधरी। हरियाणा का पहला फ्री वाईफाई युक्त गाँव कौन सा है? गुमदला। पोस्ट फास्टेस्ट मूविंग सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को। प्रदेश में किस जिले से मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम शुरू की गई है? ये की गई है आपकी पंचकुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य का पहला ग्रांड मास्टर किसे चुना गया है? हिमांशु शर्मा। कहाँ से हैं? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं। हरियाणा इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की पहली अत्याधुनिक आंगनवाड़ी कौन सी है? हसनपुर। कहाँ पे? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कौन सा है? हैबतपुर। किस डिस्ट्रिक्ट में है? जींद डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है। रॉबर्ट वाड्रा मामले में गठित आयोग कौन सा है? वो है आपका जस्टिस डिंगड़ा आयोग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की जुड़वा बहनें कौन सी हैं? तानसी और नुनसी मलिक। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा गौ सेवा आयोग का प्रमुख कौन है? मनी राम मंगला। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ध्वजारोहण से संबंधित है। टीबी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है आपका, दारूहेड़ा तथा बावल औद्योगिक स्थल कहाँ पे है? ये है आपका रेवाड़ी में। हथिनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ये है आपका यमुनानगर से। किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। कल्पना चावला हेल्थ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? ये है आपकी करनाल डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? कैथल को। नवग्रह कुंडों के कारण और भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को कहा जाता है और कैथल को कपिस्थल हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है। छोटी काशी नवग्रह कुंडों के कारण कहा जाता है। हरियाणा में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले कितने हैं? वो है आपके 15। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? वो की जा रही है कुंडली सोनीपत में, और कुंडली से होकर आपका KMP जो रोड है वो गुजरता है हाईवे, और उसकी जो लंबाई है 135.6 किलोमीटर है। राज्य में लागू पहली योजना का काल था वो है आपका वर्ष 1966-67 का। और आपका नेक्स्ट है, हरियाणा उदय क्या है? CNG बस सेवा है। राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया गया है? गढ़ी हरसरू में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैराइट खनिज राज्य में कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका नारनौल में। हरियाणा में भाखड़ा नहर किसके निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? टोहाना के निकट से प्रवेश करती है। हरियाणा में किस सब्जी का उत्पादन अधिक होता है? आलू का। और उत्पादन सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में होता है आलू का। हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलती है? ये मिलती है आपकी कैथल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है आपका, अनकई दलदल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? कैथल और सिरसा में। जो अनकई दलदल है वो कैथल में भी मिलता है और सिरसा में भी मिलता है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा का ऐसा ज़िला जहां रेलवे लाइन नहीं है? मेवात नूह है।
और मेवात एक ऐसा ज़िला है जिसका 3 बार नाम परिवर्तन किया गया है। पहले इसका नाम सत्यमेवपुरम था, फिर इसका नाम मेवात, और अब इसका नाम क्या है, नू कर दिया गया है। कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं? ये रहे हैं बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1971 में, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, 1971 में हुई थी। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है कृषि से। हरियाणा मूल के बाहर रहने वाले व्यक्ति को दिया जाने वाला पुरस्कार हरियाणा गौरव सम्मान। भीम पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में, और फिर इसको चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित किया गया था 1981 में। किस स्कूल की स्थापना लेबोरेटरी स्कूल के रूप में की जा रही है? एस राधा कृष्ण स्कूल की। राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी है? 10 है। किस जिले में पंचायतों की संख्या सबसे ज़्यादा है? भिवानी में। नेक्स्ट आपका मटिया किला किसे कहा जाता है? पलवल के किले को मटिया किला कहा जाता है। सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद किस जिले में है? गुरुग्राम में है। कामोदा नामक तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? पांडवों का वनवास यहाँ पे हुआ था, इस कारण प्रसिद्ध है। हटकेश्वर का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है जींद में। हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शाह मोहम्मद प्रसिद्ध है। सारे गामा पा धा नी अक्सर अंकित ईंटें कहाँ से मिली है? ये मिली है अगरोहा से, जहाँ पे अगर गणराज्य होता था और महाराजा अग्रसेन यहाँ के राजा होते थे। हरियाणा के शहर में रेलवे का वर्कशॉप है, ये है जगाधरी में, और जगाधरी कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। नेक्स्ट है आपका तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया? ये बसाया फतेहाबाद। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया था? औरंगजेब के टाइम में। और बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक था गोपाल सिंह। परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से था? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा में किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं मित्ताथल भिवानी से। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग को शामिल थे, यानी कि बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? कुरु और पांचाल। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया? ये औरंगजेब के टाइम में। नेक्स्ट है आपका महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कानोड। कानोड का किला भी है यहाँ पे। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे, ये है आपके नाहर सिंह। और बल्लभगढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़। अमीन का नाम अभिमन्युपुर, मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर। हरियाणा का लोक नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, डमरू नृत्य। गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले में स्थित है? ये है आपका कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी सितंबर 2016 में। बाबा खेतनाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल कहाँ स्थित है? यह है आपका नारनौल में। महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके थे? वो रुके थे गुरुद्वारा लाखन माजरा में। नेक्स्ट है आपका घटते हंसिए किसकी रचना है? यह है लक्ष्मण सिंह की। घटते भटते आपके जो हाँसी है किसकी रचना है? यह है लक्ष्मण सिंह की। 2011 अनुसार हरियाणा की शहरी मृत्यु दर प्रति हज़ार कितनी है? वो है 5.3%। नेक्स्ट है आपका छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला है श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला। नेक्स्ट है आपका देवसर धाम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है भिवानी में। लाल टोपी बांध हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर में। प्रसिद्ध पाथरी माता मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये आपका पाथरी जो मंदिर है माता का, ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। बड़खल झील कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में है। किस स्रोत में छठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? बाणभट्ट के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस स्रोत में छठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? बाणभट्ट कृत हरिश्रित में, यानी कि कुरुक्षेत्र का वर्ण श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। वर्ष 1923 में जमींदार लिंग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटूराम ने की थी। वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था? ये किया था जाट गजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजों द्वारा दोबारा दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने में
किन शासकों ने उसकी सहायता की थी? ये की थी पटियाला, नाभा और जींद रियासतों के शासकों ने। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है साक्षी मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। और फरीदाबाद में स्थित बांध का नाम क्या है? अनंगपुर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल महल का निर्माण कब हुआ था? जल महल का निर्माण हुआ था 1591 में। हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल किस जिले में है? ये है आपका जींद में। प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर किस जिले में है? ये है आपका रोहतक में। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है वो कहाँ पे है? वो है पंचकुला में। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जातियाँ आरक्षित हैं? 90 में से 17। नेक्स्ट है आपका हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। पंचकुला जिले का निर्माण कब हुआ था? 1995 में। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? सन्नो देवी थी, प्रथम महिला थी। और हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 50 है। 2011 के आंकड़ों के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.94% है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है हॉली पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका बोगन वेलिया गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। कैक्टस गार्डन कहाँ पे स्थित है? पंचकुला में है। तिलपत का प्रथम युद्ध 1669 में तिलपत के मैदान में लड़ा गया था। औरंगजेब किस सेना के बीच हुआ था? गोकुला जाट के बीच हुआ था। अयोध्या काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई थी? बहुधान्य प्रदेश, बहुत सारा अनाज जहाँ पे पैदा होता है। किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? हरश्चरित्र में। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने देतवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? वामन पुराण के अकॉर्डिंग। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। 1880 में रेवाड़ी में आर्य समाज की एक शाखा किसने खोली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? चौधरी छोटू राम। राज्य में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? फौजदार खान ने। छत्ता राय मुकंददास नामक इमारत नारनौल के किस दीवान ने बनाई थी? मुकंददास ने। अकायदा अजीम नामक हरियाणवी पुस्तक किसने लिखी? शाह मोहम्मद ने लिखी। नेक्स्ट है आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? 1556 में। पहली 1526 में। तीसरी 1761 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को शुरू किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट किया और अब इसका नाम बदल के बदलाव रख दिया गया है। महिला साक्षरता दर हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक है? वो है आपके गुड़गांव में। और पुरुष साक्षरता दर है किस जिले में ज़्यादा है? रेवाड़ी में। और सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव कौन सा है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? वो किया था नारनौल रेवाड़ी में। भुजनी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? ये किया जाता है कानों में। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी है? वो लिखी है तुलसीदास शर्मा। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हैं। सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु किसने सहमति दी है? 2014 में जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा के राज्यपाल उन्होंने दी थी। और जो अब वर्तमान में राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? औद्योगिक श्रम से है। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण हरियाणा में कहाँ होता है? रेवाड़ी में होता है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई कॉफ़ी टेबल बुक जींद फ्लोइंग वाटर फॉरगेटन हिस्ट्री के संकलनकर्ता गौरी प्रहसर जोशी एवं अजीत हैं। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ तक चली? दिल्ली से रेवाड़ी तक चली। अरावली व गोल्फ मैदान कहाँ पे है, किस जिले में है? ये आपके फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे परास्त किया? हेमू को। हरियाणा में पलवल जिले से गांधी जी को अग्रसेनों को कब गिरफ्तार किया गया? अप्रैल 1919 में। अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था गांधी को? पलवल से अप्रैल 1919 में। और हरियाणा के किस जिले में के रवि ठाकुर ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? सोनीपत। हरियाणा में सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? राजा सूरजमल ने। जाटों का प्लेटो अफलातूनी को कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस हिस्से में है? वो है आपका दक्षिणी हिस्से।